Let's go. देखिए बिलासपुर की जनता ने अपने वोट के माध्यम से 35,000 वोटों से माननीय महापौर जी को किशोर राय जी को जिताया था, मगर बिलासपुर की जनता ने जिस प्रकार से उनको वोट देकर महापौर बनाया, महापौर जी भारतीय जनता पार्टी के और मंत्री ने उस नमक को एक महीने के अंदर ही मिटा के धर दिया। और आप ये देखिए कि बिलासपुर की जनता के साथ जो संपत्ति गज का बोझ डाला गया है वो 300% से लेके 3000% तक का लादा गया है। यहाँ तक के कि खाली जमीनों पर भी टैक्स लागू किया गया है और ठेले वाले, खोमचे वाले और सब्जी वाले सब लोगों से डबल ट्रिपल कर वसूलना चालू भी हो गया है। इसी तारतम्य को लेकर हम लोगों ने क्रमिक भूख हड़ताल कांग्रेस पार्टी द्वारा, उसकी पूरी इकाइयों द्वारा, उसमें पार्षदगढ़ है, NRCI के महिला कांग्रेस सभी लोग शामिल हैं और उस मोर्चे को हम लोगों ने खोला है और क्रमिक भूख हड़ताल के रूप में जो नेहरू चौक में लगातार हमारा धरना चल रहा है, उसके बाद भी ये अंधी, बहरी, गूंगी और स्वार्थी भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम की जो सरकार है वो बिलासपुर की जनता की आवाज़ नहीं सुन रही है। तो हम लोगों ने लंगाड़ा लेकर जो महापौर का निवास स्थान है कश्यप कॉलोनी, हम लोगों ने उनके घर सहित उस मोहल्ले में हम लोगों ने जन जागरण करने के लिए और जिस प्रकार से गांव में हाका पाड़ा जाता है वैसे ही हम जनता से हाका पाड़ रहे हैं कि 20 तारीख को होने वाले सम्मेलन में बिलासपुर में जिस प्रकार से बेतहाशा कर वृद्धि की गई उसको वापस लिया जाए और उस सामान्य सभा की बैठक में आप विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी के साथ नगर निगम कार्यालय के सामने आप लोग भी उपस्थित हुए।